हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी रिमोट कंट्रोल को लाइफ टाइम रिमोट कंट्रोल में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आपको इस रिमोट कंट्रोल का कभी भी बैटरी चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यहां पर जो हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं, इन दोनों बैटरी को मैं हटाकर आज आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिससे आपका रिमोट कंट्रोल का कभी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा। और इसका बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाता है दोस्तों, तो आप इसको फिर से चार्ज करके इसमें वो बैटरी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3.7 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करूँगा। दोस्तों, ये बैटरी रिचार्जेबल है, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इसे आप फिर से चार्ज कर सकते हैं। और इसे चार्ज करने के लिए दोस्तों आप TP4056 मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर 1 ओम का रजिस्टर यूज़ करूँगा और मुझे यहाँ पर सिर्फ एक रजिस्टर का यूज़ करना है। दोस्तों, सबसे पहले इस रिमोट से पुराना बैटरी को हटा दीजिए, और ये बैटरी हमारा कोई काम का नहीं है, इसे आपको हटा देना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसका जो सर्किट है, ये सर्किट अच्छी तरह से बना लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर 1 ओम का एक रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ। इस रजिस्टर को दोस्तों हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बैटरी का दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो आपका वाइट वायर आपको दिख रहा होगा, इसमें मैं इस रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा। दोस्तों, ये रजिस्टर को आप किसी भी तरफ से कनेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई एक साइड नहीं होता है, ये दोनों साइड से आप कहीं से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रजिस्टर को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। अब सिंपल इस बैटरी को हम लोग रिमोट के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, आपको YouTube में बहुत सारे ऐसा वीडियो मिलेंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं कि 3.7 वोल्ट की बैटरी को सीधा रिमोट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपका रिमोट का IC गर्म होकर जल जाएगा, आपका रिमोट ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जब 1 ओम का रजिस्टर यूज़ करोगे तो आपका रिमोट ख़राब होने का चांसेस ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसे मैंने कनेक्ट किया है रिमोट के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसे मैंने रिमोट के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। ये वायरिंग बहुत सिंपल है दोस्तों, आप इसे आराम से अपने घर पर कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग 3.7 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी यूज़ कर रहे हैं, इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो बैटरी है, ये बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, और आपका इससे बैटरी का पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। प्लस आपका जब भी बैटरी डिस्चार्ज होगा, उस बैटरी को आप फिर से चार्ज करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हर तरफ से आपका ही फ़ायदा होने वाला है। ये सर्किट को आप बनाइए। अगर आपको सर्किट समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रिमोट कंट्रोल परफेक्ट वर्क कर रहा है, इसका LED परफेक्ट काम कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।